जस्ट आपको एनएचपीसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि एनएचपीसी में जो जेई की वैकेंसी आपको जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से रिगार्डिंग यहाँ पर आपको नोटिस यहाँ पर होने वाली ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर रिलीज की है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी अपडेट होंगे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिया गया। और व्हाट्सअप का एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा तो ग्रुप या चैनल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, वहां पर भी ऐड होकर के रहिएगा, व्हाट्सएप पर भी आपको सभी अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। देख सकते हैं ये एनएचपीसी की तरफ से अभी आज के डेट में थोड़ा देर पहले ये नोटिस यहाँ पर आउट किया गया, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और भी सारे यहाँ पर जो पोस्ट थे इनसे रिलेटेड यहाँ पर नोटिस देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाओगे लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट सेकेंड लिस्ट फ्रॉम रिजर्व पैनल टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रेड S01। यहाँ पर मेंशन है दिस इज विथ रिफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 01-2023 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इन एनएचपीसी लिमिटेड। इन दिस रिगार्ड इट इज टू इन्फॉर्म दैट द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड टू द एफ्रोसेड पोस्ट। तो यहाँ पर जो है अभी ये लोगों को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से, अभी सेकेंड वेटिंग लिस्ट के तौर पर आपको ये देखने के लिए मिल रही है जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट पर, जिसमें कि जो भी सारे कैंडिडेट है यहाँ पर, जैसे 22 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, तो ये लोग अभी फिर से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के थ्रू यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको नोट में लिखा गया है कि द ऑफर लेटर टू द एफ्रोसेड एवव सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सेंट टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी शॉर्टली। तो जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं इन लोगों को अलग से ईमेल के माध्यम से ऑफर लेटर सेंड किया जाएगा जल्दी, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। तो ये और भी सारे यहाँ पर पोस्ट हैं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल का ये देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट सेकेंड लिस्ट फ्रॉम रिजर्व पैनल टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो ये जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे जो भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए होंगे, तो वो लोग यहाँ पर अभी वेटिंग लिस्ट जो भी होंगे वेटिंग लिस्ट में, उन लोगों का यहाँ पर दिया गया प्रोविजनली रूप से सिलेक्ट किया, इन लोगों को भी ऑफर लेटर जल्द ईमेल पर आपको भेजा जाएगा, तो आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का जो भी पोस्ट था, तो इसके लिए भी जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे इन लोगों का भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है, जो भी कैंडिडेट इसमें नाम होगा ये सभी प्रोविजनली रूप से सिलेक्ट हुए हैं, और ये लोगों को भी ऑफर लेटर यहाँ पर सेंड किया जाएगा ईमेल के माध्यम से, तो आप लोग अपना ईमेल चेक कीजिएगा। और एक पोस्ट है जिसमें कि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर जो है सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट है, इसमें भी कुछ कैंडिडेट जो यहाँ पर थे वेटिंग लिस्ट में इनका भी यहाँ पर दिया गया नेम। उसके बाद आपको एक और पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सुपरवाइजर आईटी का यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें कि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट, ये आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो भी यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट का नाम, ये आपको सुपरवाइजर आईटी इस पोस्ट के लिए ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट यहाँ पर क्लियर किया गया। उसके बाद यहाँ पर सुपरवाइजर सर्वे का एक पोस्ट था, इनका भी यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट रिजर्व पैनल से यहाँ पर दिया गया, तो ये सर्वे का यहाँ वेटिंग लिस्ट में जो भी कैंडिडेट थे इन सभी का यहाँ पर नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इन सभी को प्रोविजनली रूप से सिलेक्ट किए हैं। तो ये नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए, वहाँ पर मैं ये PDF डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में दिया गया है, या व्हाट्सअप ग्रुप व्हाट्सअप चैनल से भी ज्वाइन होकर करिएगा, अगर आप सभी अपडेट व्हाट्सअप पर चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिलती रहती है। तो व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा कि ग्रुप में या चैनल में ऐड कर देने के लिए, तो जल्द से जल्द इधर से लिंक एक भेजा जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग टेस्ट बुक पर अभी तक साइन अप नहीं किया या टेस्ट बुक के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं टेस्ट बुक पर, यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स हैं, किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। 70,000 प्लस यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 17,000 यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपको मिलेगा सभी चीज़ एक जगह पर, जो कि टेस्ट बुक है, वहाँ पर आपको जाना होगा। उसका अभी ऑफर चल रहा है, उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑफर लिंक से आप लोग डाउनलोड कीजिए, अपना साइनअप कीजिए। अगर आप पहले से आपके फोन में होगा तो वहां पर अप्लाई कूपन कोड दिखेगा, उस पर जाकर के आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है PKO3PL,
ये आपको कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट 10% का वहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा किसी भी पास को अगर आप बाय करते हो। टेस्ट बुक का दो पास आता है, एक नॉर्मल पास, तो नॉर्मल पास में ओनली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, और पास प्रो अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पर आपको ये सभी चीज ऑल्सो इसमें इंक्लूड होंगे, ये सभी चीज आपको पास प्रो में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग PYQ लगाना है तो आप लोग पास प्रो को आप लोग परचेज कीजिएगा, अगर आप लोग PYQ नहीं लगाना है तब आप लोग नॉर्मल पास को परचेज कर सकते।